स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर गाइज। आज आपके लिए जो है काफ़ी स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। जो वीडियो स्पेशल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए। तो गाइज़ आज आपके लिए जो मैं ना ये वीडियो लेके आया हूँ द हिंदू से रिलेटेड है। जो न्यूज़पेपर आती है उसको आप डायरेक्टली ऐप से रीड कर सकते हैं गाइज़। तो इसको रीड करने में दिक्कत कहाँ आती है कि इसमें जो वोकैब होती है ना वो मतलब सर्च करनी पड़ती है या फिर उसका रियल मीनिंग हमें पता नहीं चल पाता, तो हमारी इंग्लिश जो है अच्छी नहीं बन पाती इससे। तो गाइज इसके लिए आपको ना बेहतर सी एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करना। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश पावर जो है वोकैब पावर इंक्रीज होगी और आप एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं यहाँ से, और आपकी इंग्लिश की जो स्पीकिंग स्किल्स है ना वो भी डेवलप होगी। तो गाइज़ आपको करना क्या है, सिंपली आपको द हिंदू ऐप डाउनलोड कर लेना है और साथ ही साथ आपको एक ऐप और डाउनलोड करना है जो ये दिख रहा है मैग टैप नाम से, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। दोनों अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। तो गाइज़ अब आपको करना क्या है कि इसकी कोई भी आर्टिकल खोल लेना है द हिंदू से और उसका रीडिंग करना है। जैसे मैंने रीडिंग किया और इसमें यदि आपको कोई वर्ड आता है तो उसको आपको डायरेक्टली उस पर सर्च टैप करके रखना है, और उसका यदि आपको वर्ड का मीनिंग जाननी है तो उसको आपको मैग टैप ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप ट्रांसलेट करोगे तो गाइज़ जैसे कॉम्युनल का मतलब होता है सार्वजनिक, ये आपको डायरेक्टली सर्च करके दे देगा। इससे आपको बार बार वर्ड को टाइप नहीं करना पड़ेगा और आप एक अच्छी तरीके से द हिंदू की रीडिंग कर सकते हैं इससे। और गाइज़ आपको ना इसमें कोई भी वर्ड आता है उसको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है ताकि रिविज़न पर आप इसको फिर से दोहरा सकते हैं। और मतलब बेस्ट ट्रिक है गाइज, इससे आप अगर ऐसे ही स्टडी करोगे ना तो काफ़ी आसान हो जाता है द हिंदू को रीडिंग करना। इतना काफ़ी लोगों ने हाइप क्रिएट किया हुआ है कि द हिंदू हर किसी के समझ में नहीं आता, तो वो इसी वजह से नहीं आता है कि इसमें क्या होता है कि जो स्पेलिंग्स जो वर्ड आते हैं वो कैब के वो हर किसी के फर्स्ट टाइम पे समझ में नहीं आते हैं, तो धीरे 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 इंक्रीज होती है। तो गाइज़ आपको ये ट्रिक अपनानी है और इससे वर्ड पावर अपनी इम्प्रूव करनी है। आप खुद देखोगे कि 6 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश जो है बेहतरीन तैयार हो जाएगी गाइज़। मैं पर्सनली खुद ट्राई करता हूँ ये, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये ट्रिक, आप भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।